नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मखाना खाने के फायदे। मखाने देखने में तो गोल मटोल सूखे दिखाई देते हैं, पर यह कई औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं, हमारे स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखने में मदद करते हैं। मखानों का प्रयोग हम भोजन में भी कर सकते हैं। मखाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मखानों से तैयार खीर बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सब्जी और भुजिया में भी मखाने डाले जाते हैं। मखाने खाने से शरीर को कई रोगों से छुटकारा मिलता है। मखाना हम खाते रहते हैं उपवास में अक्सर, खीर के रूप में या फिर नमकीन, भुने हुए नमकीन के रूप में हम खाते हैं। मखाना कमल का बीज नहीं होता है, इसकी एक अलग प्रजाति है। यह भी तालाबों में ही पैदा होता है, लेकिन इसके पौधे बहुत कांटेदार होते हैं, इतने कटीले कि उस जलाशय में कोई जानवर भी पानी पीने के लिए नहीं घुसता। जिसमें मखाने के पौधे होते हैं, इसकी खेती बिहार के मिथिलांचल में होती है। मखाना दो देवताओं का भोजन कहा गया है। उपवास में इसका विशेष रूप से उपयोग होता है, पूजा एवं हवन में भी यह काम आता है। इसे ऑर्गेनिक हर्बल भी कहते हैं, क्योंकि यह बिना किसी रासायनिक खाद या कीटनाशकों के उपयोग किया जा सकता है। अधिकांशतः ताकत के लिए दवाएं मखाने से बनाई जाती हैं, केवल मखाना दवा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसे सहयोगी आयुर्वेदिक औषधि भी कह सकते हैं आप। इसके औषधीय गुणों के चलते अमेरिकन हर्बल फूड प्रोडक्ट एसोसिएशन द्वारा इसे क्लास वन फ्रूट का दर्जा दिया गया है। यह जीर्ण, अतिसार, ल्यूकोरिया, शुक्राणुओं की कमी इत्यादि में उपयोगी है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होने से यह श्वसन तंत्र, मूल जनन तंत्र में लाभदायक है। यह ब्लड प्रेशर एवं कमर तथा घुटनों के दर्द को नियंत्रित करता है। इसके बीजों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, कैल्शियम एवं फास्फोरस के अतिरिक्त कैरोटीन, लोहा, निकोटीन, अम्ल एवं विटामिन B1 भी पाया जाता है। मखाने में 9.7% आसानी से पचने वाला प्रोटीन, 76% कार्बोहाइड्रेट, 12.8% नमी, 0.1% वसा, 0.5% खनिज लवण, 0.9% फास्फोरस एवं प्रति 100 ग्राम 1.4 मिलीग्राम लौह पदार्थ मौजूद होता है। अब हम जानते हैं मखाना बनाने की विधि को। मखाने उथले पानी वाले तालाबों और सरोवरों में पाए जाते हैं। मखाने की खेती के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा सापेक्षिक आर्द्रता 50 से 90% होनी चाहिए। मखाने की खेती के लिए तालाब चाहिए होता है, जिसमें 2 से 2.5 फीट तक पानी रहे। इसकी खेती में किसी भी प्रकार की खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। खेती के लिए बीजों को पानी की निचली सतह पर 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर डाला जाता है। 1 हेक्टेयर तालाब में 80 किलो बीज बोए जाते हैं। बुआई के महीने दिसंबर से जनवरी के बीच होते हैं। बुआई के बाद पौधों का पानी में ही अंकुरण और विकास होता है। इसकी पत्ती के डंठल एवं फलों तक पर छोटे छोटे कांटे होते हैं। इसके पत्ते बड़े और गोल होते हैं और हरी प्लेटों की तरह पानी पर तैरते रहते हैं। अप्रैल के महीने में पौधों में फूल लगना शुरू हो जाता है। फूल बाहर नीला और अंदर से जामुनी या लाल और कमल जैसा दिखाई देता है। फूल पौधों पर कुछ दिन तक रहते हैं। फूल के बाद कांटेदार स्पंजी फल लगते हैं, जिनमें बीज होते हैं। यह फल और बीज दोनों ही खाने योग्य होते हैं। फल गोल अंडाकार नारंगी रंग की तरह होते हैं और इनमें 8 से 20 तक की संख्या में कमलगट्टे से मिलते जुलते काले रंग के बीज लगते हैं। फलों का आकार मटर के दाने के बराबर तथा इनका बाहरी आवरण कठोर होता है। जून जुलाई के महीने में फल 1 से 2 दिन तक पानी की सतह पर तैरते हैं, फिर ये पानी की सतह के नीचे डूब जाते हैं। नीचे डूबे हुए इसके कांटे गल जाते हैं और सितंबर अक्टूबर के महीने में ये वहाँ से इकट्ठा कर लिए जाते हैं। फलों में से बीजों को निकाल लिया जाता है। धूप में इन बीजों को सुखाया जाता है। सूखे बीजों को लोहे की कढ़ाई में सेंका जाता है। सेंकने से बीजों के अंदर की नमी भाप में बदल जाती है और जब इन सिके हुए बीजों को कड़ी सतह पर रखकर लकड़ी के हथौड़ों से पीटते हैं तो गर्म बीजों का कड़क खोल फट जाता है और
बीज फटकर मखाना बन जाता है। इन्हें रगड़कर साफ किया जाता है और पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है। अब आइए हम जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। ये पाचन में सुधार करता है। मखाना एक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण सभी आयु वर्ग के लोगों द्वारा आसानी से पचाया जा सकता है। बच्चों से लेकर बूढ़े लोग भी इसे आसानी से पचा लेते हैं। इसका पाचन आसान है, इसीलिए इसे सुपाच्य कह सकते हैं आप। इसके अलावा फूल मखाने में एस्ट्रिजन गुण भी होते हैं, जिससे यह दस्त से राहत देता है और भूख में सुधार करने के लिए मदद करता है। एंटी एजिंग गुणों से ये भरपूर होता है। मखाना उम्र के असर को भी बेअसर करता है। यह नट्स एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होने के कारण उम्र लॉक सिस्टम के रूप में कार्य करता है और आपको बहुत लंबे समय तक जवां बनाता है। मखाना प्रीमैच्योर वाइट हेयर, झुर्रियाँ और एजिंग के अन्य लक्षणों के जोखिम को कम करने में मदद करता है। डायबिटीज रोगियों के लिए ये फायदेमंद होता है। डायबिटीज चयापचय विकार है जो उच्च रक्त शर्करा के स्तर के साथ होता है। इससे इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करने वाले अन्याशय के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। लेकिन मखाने मीठा और खट्टा बीज होता है और इसके बीज में स्टार्च और प्रोटीन होने के कारण यह डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा होता है। किडनी को यह मजबूत बनाए रखता है। मखाने का सेवन किडनी और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। फूल मखाने में मीठा बहुत कम होने के कारण यह स्प्लीन को डिटॉक्सिफाई करने, किडनी को मजबूत बनाने और ब्लड का पोषण करने में मदद करता है। साथ ही मखानों का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सेहतमंद रहता है। दर्द से छुटकारा दिलाए। मखाना कैल्शियम से भरपूर होता है, इसीलिए जोड़ों के दर्द, विशेषकर अर्थराइटिस के मरीजों के लिए इसका सेवन काफ़ी फायदेमंद होता है। साथ ही इसके सेवन से शरीर के किसी भी अंग में हो रहे दर्द, जैसे कि कमर दर्द और घुटने में हो रहे दर्द से आसानी से राहत मिलता है। नींद न आने की समस्या से भी ये छुटकारा दिलाता है। मखाने के सेवन से तनाव कम होता है और नींद अच्छी आती है। रात में सोते समय दूध के साथ मखाने का सेवन करने से नींद न आने की समस्या दूर हो जाती है। कमजोरी को भी ये दूर करता है। मखाने का नियमित सेवन करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और हमारा शरीर सेहतमंद रहता है। मखाने में मौजूद प्रोटीन के कारण यह मसल्स बनाने और फिट रखने में भी मददगार होता है। मखाना शरीर के अंग सुन्न होने से बचाता है तथा घुटनों और कमर में दर्द पैदा होने से रोकता है। प्रेग्नेंट महिलाओं और प्रेगनेंसी के बाद कमजोरी महसूस करने वाली महिलाओं को मखाने का सेवन करना चाहिए। मखाना का सेवन करने से शरीर के किसी भी अंग में हो रहे दर्द से राहत मिलता है। मखाना का सेवन करने से शरीर में हो रही जलन से भी आपको शांति मिल जाती है, राहत मिल जाती है। मखाना को दूध में मिलाकर खाने से दाह यानी कि जलन में आराम मिलता है। 6 मखानों के सेवन से दुर्बलता मिटती है तथा शरीर पुष्ट होता है। वीर्य की कमी, मर्दाना कमजोरी, शुक्रमेह में इसे हलवे के साथ खाना चाहिए। आटे, घी, चीनी के हलवे मखाने में डालकर खाने से गर्भाशय की कमजोरी और प्रदर की समस्या दूर होती है। तो देखा दोस्तों, आप सभी ने, हम आज आप सभी के लिए लेकर के आए थे मखाने से जुड़ी हुई जानकारियों को। अगर आप मखाने का सेवन करते हैं तो इन सारी बीमारियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।